स्कूल वाहनों की मुख्यमंत्री से की शिकायत, स्कूल वाहनों के खिलाफ की जाए बड़ी कार्रवाई, प्रदेश अध्यक्ष विनोद दीक्षित। मथुरा ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति उत्तर प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष विनोद दीक्षित ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से की शिकायत। मथुरा जनपद में स्कूल वाहनों के हो रहे हैं लगातार सड़क हादसे। बीते 29 अप्रैल को चलते चलते स्कूल के अचानक रेडिएटर फट जाने से स्कूल वैन में बैठे बच्चे झुलस गए। आज दिनांक 30 अप्रैल को सुबह के समय मयूर विहार आर्मी एरिया तिराहा मथुरा पर स्कूल ले जा रही बच्चों की वैन चालक की लापरवाही से डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई और बच्चे घायल हो गए। ऐसे स्कूल वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो जर्जर हो चुके वाहनों को अपने स्कूल में ज़बरदस्ती काम में ले रहे हैं। साथ ही ऐसी वाहन बड़ी संख्या में जिनमें LPG व CNG लगी हुई है, ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि यह वाहन किसी भी समय बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। आज स्कूल वाहन में हुए हादसे में सूचना के बाद नन्हे मुन्ने बच्चों को बचाने वाले ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति के पूर्व जिलाध्यक्ष व एडवोकेट विनय कुमार यादव और बिन्नू को समिति की तरफ से बधाई देते हुए समिति करेगी सम्मानित। और मैं संस्थापक अध्यक्ष ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति का, हमारी समिति लगातार मथुरा के अंदर हो रहे सड़क हादसों को मद्देनजर रखते हुए पिछले 10 साल से लगातार काम कर रही है और हाल ही में देखा गया है जिस तरह स्कूल वाहनों के एक पूरी एक कतार लगी हुई है हादसों को लेके। आज एक बार पुनः स्कूल बस सुबह बच्चों को ले जा रही थी मयूर विहार के तिराहे पे, आज ड्राइवर की लापरवाही से, ड्राइवर मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा था और स्कूल बस पूरी तरह से छोटे छोटे बच्चों से भरी हुई थी जिसमें शासन प्रशासन के साथ में स्कूल की भी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से वाहन का उपयोग कर रहा है। आज मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, जो भी आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि कौन सा वाहन आपके स्कूल में लगा हुआ है और कौन सा वाहन आपके बच्चों को लेके जा रहा है। और साथ ही प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं, इस तरह से जो आयोजन होने वाले हादसों को लेके लगातार आपके द्वारा जो अभियान चल रहा है, इससे स्कूल प्रशासन पर कोई भी असर नहीं हो पा रहा है। मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग कर रहा हूं कि इस तरह से कठोर कार्रवाई की जाए स्कूलों के खिलाफ, जिससे भूसों की तरह ये स्कूल के बच्चों को लेके जाते हैं स्कूल के वाहनों में, इस तरह से ना हो। मैं जिला प्रशासन और शासन दोनों ही से मांग करता हूं कि इस तरह से पूरे प्रदेश में एक बार कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे इस तरह के आयोजन होने वाले हादसों से निजात मिल सके और हमारे बच्चे स्कूल तक सुरक्षित और स्कूल के बाद घर तक सुरक्षित पहुंच सके। मैं अनुरोध कर रहा हूं एक बार फिर से, जय हिंद, धन्यवाद।